सो हेलो गाइस, आई एम ईशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं अपने एसएससी सीजीएल 2024 की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो आज से हम 100 डे चैलेंज की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज उसी का है डे वन। तो ये रहा हमारा आज का टास्क। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो कैप ब्लैक बुक से, 50 OWS, 50 idioms, 30 साइनो एंटो। उसके बाद हम करेंगे वो कैप संजीवनी जो कि प्रीवियस ईयर है। तो मैंने बहुतों को ऐसे पूछते देखा है टेलीग्राम में, ग्रुप में, इधर उधर कूदते भटकते कि वो कैप के लिए क्या करें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहूँगी कि ये दोनों ही बुक वो कैप के लिए मोर देन इनफ है। बाकी SSC नए वो कैप्स पूछते ही रहता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। खैर आगे चलते हैं। तो वो गैप ख़त्म करके चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टास्क पे। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है GS। तो GS में करने वाले हैं परमार सर का लेक्चर 1 बायोलॉजी का सेल चैप्टर का। सो पहले लेक्चर ख़त्म करके जो कि अराउंड 2 घंटे का था, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा। तो लेक्चर ख़त्म करके चलते हैं हम इसके नोट्स की ओर। तो हम सेम चैप्टर का नोट्स कवर करेंगे पहले, एंड देन सेम चैप्टर का PYQ लगाएंगे पिनाकल से। बहुत से बच्चे ब्लैक बुक प्रेफर करते हैं, बट मैं पर्सनली पिनाकल प्रेफर करूँगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं होते बल्कि डिटेल्स में होते हैं, जो कि रिविज़न करने में बेटर होता है। तो इसको ख़त्म करने के बाद चलते हैं इंग्लिश की ओर। तो इंग्लिश में मैं आज करने वाली हूँ प्रोनाउन की थ्योरी का रिवाइज। मैंने ऑलरेडी अमन वर्सेज सर से क्लास कर रखे हैं। तो अब 3 घंटे के ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे मैथ्स। तो मैं मैथ्स में करने वाली हूँ हर चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस, लाइक हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस। आप चाहो तो चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, मुझे चैप्टर वाइज लगाना बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं मिक्स्ड ही लगाती हूँ। तो पिछले 1 महीने से मैंने बुक्स खोले भी नहीं हैं, तो मुझे मैथ्स बनाने में अराउंड 4 घंटे लग गए आज। तो जल्दी जल्दी से मैथ्स ख़त्म करने के बाद चलते हैं हम कैलकुलेशन की ओर, जिसका वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। अब चेक करते हैं अपना नेक्स्ट टास्क। तो आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं एक्सेप्ट मॉक। तो चलते हैं मॉक देने जल्दी जल्दी से। जैसा मैंने बताया था कि मैंने 1 महीने से पढ़ाई करी ही नहीं है, जिसका साफ साफ असर मुझे मेरे मॉक पर दिख रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे मॉक का मार्क्स 147.5 मार्क्स बने हैं एंड परसेंटाइल है 93.13। वेल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द परसेंटाइल। तो इसी के साथ हमारा आज का टास्क ख़त्म होता है। सो वी आर डन फॉर टुडे। तो कल मिलते हैं सेम एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।